वो जो पंजाब से बाहर हैं, जो ये नहीं पता है कि जो राजपूत सिख बन गए हैं वो गुरु नानक के टाइम से ही शुरू हो गए थे। सबसे पहली जो सेना बनी है सिखों की वो छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के समय पर हुई है। जो ये क्षत्रिय लोगों ने, जिनको आजकल हम राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय लोगों की ही वो सेना थी, उन लोगों ने ही उसका गठन किया था। ये वो लोग थे जब श्री हरगोबिंद साहब को ग्वालियर के किले में रखा गया था, तो जो धार प्रदेश पड़ता था उस टाइम पे, धार के राजे कहा जाता है, उसके साथ वो 52 राजे थे, भाईदार बोला जाता है मध्य प्रदेश का एरिया, उसके 52 राजे थे जो ग्वालियर के किले में जो मुगलों ने कैद कर रखे। गुरु हरगोबिंद साहब को जब वहां से छोड़ा गया तो उन्होंने एक शर्त रखी, वहां कैद नहीं किया गया था, लोग कहते हैं कैद किया, लेकिन उसका कारण और था जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। उनको सिर्फ पूजा पाठ के लिए वहां ले जाया गया था। फिर उनको जब वापस बुलाया तो वो बोले कि ठीक है, अगर मुझे वापस बुलाना है तो मेरे साथ ये जो राजे हैं, क्योंकि वो सबको शिक्षा देते थे वहां पे, ये जो भाईदार के जो 52 राजे हैं, इनको भी मेरे साथ रिहा किया जाए। उनसे जो बहुत सारे जो राजे थे, राजा बने हुए थे, वो बहुत सारे उनके साथ ही वो पंजाब में आ गए। उन लोगों ने ही गुरु साहब को सलाह दी कि आप एक फौज तैयार करें जो मुगल राज के जुल्म के खिलाफ लड़े। उनमें से वो कुछ राजे भी थे। सबसे पहली जो जब उन्होंने फौज बनाई, ट्रेनिंग भी उन लोगों ने दी, उनमें से ज्यादातर परमार थे, पुवार थे, राठौर थे, ये जो दो तीन जो वंश थे ये ज्यादा थे उनमें। तो सबसे पहले फौज की लड़ाई हुई अमृतसर में हरगोबिंद साहब की, और उसके साथ जो ये पुवारों की जो परमार वंश की सब कास्ट है, जहाँ पवार कहते हैं पंजाबी में उसको, सबसे जो पहला शहीद हुआ था वो था नानू पवार, जो अमृतसर की लड़ाई में सबसे पहला जो सिख शहीद हुआ था वो भी एक राजपूत था। बाबा बंदा सिंह बहादुर राजपूत थे, अकाली फूला सिंह राजपूत थे। गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में जो जनरल थे, जहाँ जो बड़े बड़े औहदों पर थे, वो सारे के सारे राजपूत थे, चाहे वो संगत सिंह मिन्हास हो, चाहे वो बज्जर सिंह राठौर हो, चाहे वो आलम सिंह चौहान हो, चाहे वो बचित्तर सिंह पवार हो, और भी बहुत सारे हैं कितने के नाम। बीबी बिखा भी थी जो बज्जर सिंह राठौर की बेटी थी, वो भी जो स्त्री विंग की फौज थी वो उसकी कमांडर थी। महाराजा रणजीत सिंह वो भी बट्टी राजपूत थे, पंजाब के राजपूत में जिन्होंने सिख धर्म नाम लिया है वो सिख राजपूत कहलाते हैं, उनको क्षत्रिय राजपूत भी कहा जाता है। आजकल जो क्षत्रिय राजपूत है सिख राजपूत है, खास करके तो सारे पंजाब में, लेकिन इनकी जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो दुआबा में है, जलंधर होशियारपुर कपूरथला में। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही अंग्रेजों का राज आया तो काफी जो इनके ऊपर भी भारी पड़ी, इनके जो किले थे वो पहले तो सबसे जो राजपूतों के साथ अंग्रेजों ने एक समझौता किया कि ठीक है जी, आपकी जो आप जमीनों के सब मालिक हैं, तो किसी टाइम पे जो जमीनों के साथ ज्यादातर मालिक वो पंजाब के राजपूत ही हुआ करते थे, तो उन्होंने उनके साथ समझौता किया, ठीक है जी हम आपसे लगान नहीं लेंगे, लेकिन ये जो आपकी फौज है इसको आप हमारे विरोध में यूज मत करिए, आपको ऐसा हम आपसे लगान आपकी जमीन का नहीं लेंगे। तो टाइम के साथ जो है ना, अभी क्योंकि पहले जो जितने भी राजपूत सरदार थे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से थे, जहाँ जो पहले भी थे, उनको ऑथराइज किया होता था कि ये जो राजपूत सरदार है 30 घोड़ों की फौज रख सकता है, कोई 200 घोड़े की फौज रख सकता था, कोई 50 घोड़े की फौज रख सकता था, 2000 तक भी थे कोई, जो बड़े सरदार थे वो 2000 घोड़ों तक की फौज भी रख सकते थे। उनको काफी बड़ा एरिया दिया जाता था कि फौज को उन्होंने मेंटेन भी करना है, उनको तनख्वाह भी देनी है। तो सबसे पहले धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने राजपूताना जो पंजाब का था वो धीरे धीरे खत्म किया। सिखों ने जब दिल्ली फतेह की है 1764 का टाइम था शायद, तो उस टाइम पे जो मेन जर्नैल थे, जो दिल्ली जीतने वाले, जब इन्होंने दिल्ली जीती है तो उस टाइम पे जो मेन जर्नैल थे, चार जर्नैल सरोआ राजपूतों के थे, जो दुआबा में उनको जगीरें भी मिली, उन्होंने दुआबा में किले भी बनाए, जो अंग्रेजों ने बाद में धीरे धीरे करके जो उनकी जो शक्तियां थी वो खत्म कर दी, उनकी जो फौज थी वो खत्म कर दी। तो 1914 में जो अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, लैंड एक्वायरिंग एक्ट जिसको कहते हैं हम, जब उनकी फौज खत्म हो गई, उनकी पावर खत्म हो गई, तो इन्होंने लैंड एक्वायरिंग एक्ट बना दिया, जिससे जो भी जमीन पे खेती करते थे, जो हल चलाते थे, उनको मजारे कहा जाता था। तो वो जो मजारे थे उनको जमीन दे दी कि ठीक है जी, किसी के पास 20 गांव हैं, किसी के पास 10 गांव हैं, किसी के पास 4 गांव हैं, किसी के पास 2 गांव हैं, तो जो जो
उस पे जो हल चलाता है वो जमीन उसी की होगी। तो अभी जो जितने भी जो सिख राजपूत या क्षत्रिय राजपूत थे इनके पास वो फौज तो खत्म हो गई थी, धीरे धीरे इनके किले भी खत्म कर दिए, इनकी पावर थी जो फौज की वो भी खत्म कर दी, जो इनका स्टेटस था वो काफी डाउन कर दिया। उसके बाद जो जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होके 1947 से लेके जब तक हरियाणा या हिमाचल प्रदेश जो जब तक नहीं बने थे, तब तक जो ये सारा पंजाब ये राजपूतों के अंडर था, चाहे वो सिख हो या हिंदू राजपूत हो। उसके बाद जो जब पंजाब स्टेट हो गई तो ये जो राजपूत थे क्षत्रिय राजपूत ये मिनोरिटी में आ गए। तो उसके बाद जो भी जो सरकारें आई हैं वो इनको सबको हमेशा उन्होंने इनको पॉलिटिकली दबाया ही है। जो हमारे जो चोन क्षेत्र हैं, जो एमएलए के हैं या एमबी के हैं, जहां हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, और जो सबसे बड़ी बात है उनको रिजर्व कर दिया गया है, जिसको जिसपे हम लोग कोई चोन भी नहीं लड़ सकते, अगर चाहें भी तो भी चोन भी नहीं लड़ सकते। अगर आपने देखा भी होगा कि 1967 से लेके 2022 आ गया है, आज तक एक जो सिख राजपूत है वो एमएलए बना है, सिर्फ एक, सुजीत सिंह मिन्हास। 1947 से लेके पंजाब बने, जब तक पंजाब बना है, नया पंजाब जो हरियाणा जो हिमाचल जो अलग हुए हैं, इस टाइम में भी सिर्फ एक ही बना था। आज तक अगर 1947 से लेके 2022 तक देखें, आज तक तो दो एमएलए बने हैं, जबकि अगर पंजाब में जो मौजूदा पंजाब है उसमें सिखों और हिंदू राजपूतों की पॉपुलेशन देखी जाए तो वोट देखी जाए तो एस्टिमेटेड वोट जो है वो है 30 से 35 लाख हैं। अगर 30 से 35 लाख हैं तो 10 या 9 एमएलए भी होने चाहिए। अब इनकी जो सारी सीटें रिजर्व कर दी तो एमएलए कहाँ से बनेंगे, अगर कहीं से कोई खड़ा भी होता है तो वहां उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इसलिए उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, जो लोग जो पंजाब से बाहर बैठे उनको आजकल जो ये सोशल मीडिया है इससे पता लग रहा है कि पंजाब में जो क्षत्रिय जो सिख भी बने हुए हैं, जो सिख राजपूत भी बहुत हैं, तो उनके लिए ये नई बात है। इसके लिए अगर ये देखा जाए तो वो जो पंजाब में हम लोग रहते हैं, कसूर हमारा ही है कि हम लोगों ने अपनी होंद को जो पंजाब से बाहर जाने ही नहीं दिया। अगर हमने ही किसी को, हम तो पॉलिटिकली तो हम डाउन हो गए, जीरो पे आ गए। कहते हैं कि अगर किसी की जो जनरेशन को काम, किसी कम्युनिटी को अगर आपने गुलाम बनाना है तो उसकी एक जनरेशन को गुलाम बना लो, उसका माइंड बदल जाता है। हम लोग तो 1947 से ऐसे चल रहे हैं, अभी देख लो हमारा क्या हाल हो रहा होगा। आप छोटे मोटे भी हमारे जो नेता नहीं बन सकते, अगर बनेंगे भी तो वो उनको सिर्फ जो रिजर्व सीट का एमएलए है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो इसलिए बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि पंजाब के क्षत्रिय जो पंजाब के सिख और राजपूत भी हैं, महाराजा रणजीत सिंह, अकाली फूला सिंह, होर बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये सारे राजपूत ही थे, जिनको सिर्फ हम लोगों ने छुपा के रख लिया कि ना स्कूल में कहीं पढ़ाया गया, ना कहीं टीवी फिल्म में ये दिखाया गया। तो ये उन लोगों के लिए ये मैंने बनाया है, जो जिन लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं कि क्या पंजाब में भी राजपूत रहते हैं। भाइयों, पंजाब में राजपूत बहुत हैं, लेकिन यही है कि जो समय की सरकारें आई हैं उन लोगों ने इनको पॉलिटिकली डाउन कर दिया है, क्योंकि नहीं तो जो प्लानिंग कमीशन तक बगीचा सिंह मिन्हास भी गए हैं, पता नहीं कितने हमारे फौज में कर्नल ब्रिगेडियर तो आम हैं, हम बेशक थोड़े से हैं पंजाब में, परसेंटेज हमारी कम है, लेकिन जो फौज में है, एयरफोर्स में है, हमारे जो बहुत ऑफिसर जवान जो है हमारे बहुत से बहुत बड़े बड़े रैंकों में रहे हैं, चाहे वो आज भी जो IAS हो, IPS हो, PCS हो, आज भी जो बहुत बड़े बड़े रैंक में, सिर्फ इतना ही है कि जो सिर पे जब पगड़ी बांध लेते हैं तो जो पंजाब से बाहर रहने वाले लोग हैं वो इनको उनको उनको पहचान नहीं आते कि ये लोग भी राजपूत हैं। तो आप सब लोगों का धन्यवाद है इसके लिए। आशा करता हूँ ये जो मेरा मैसेज है कि पंजाब में भी सिख राजपूत रहते हैं, बहुत से रहते हैं, थोड़े नहीं है, बेशक परसेंटेज में कम है, लेकिन क्वांटिटी फिर भी 35-40 लाख है, तो कोई कम नहीं है, बहुत है। फिर भी हमारे NRI बहुत हैं, जो पंजाब के जो दुआबा रीजन के हैं, तकरीबन आजकल तो 60-70-80% तो NRI हैं जो हमारे राजपूत हैं। तो इसलिए इस बात को सबके साथ शेयर भी किया जाए,
कमेंट करके भी बताया जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र सिंह प्रहार।